We are in chapter number 7, fractions. Today's topic is 7.3, fraction on the number line. So in our last chapter we saw that how to represent integers on number line. Now we will see that fraction kaise hum usko number line pe solve karenge. हाफ कैसे लिखते हैं? So let us draw the number line. This is zero. This is minus. यहाँ पे कहीं पे one. हाफ जो है वो zero से बड़ा है लेकिन one से छोटा है. और हाफ जो है वो zero और one को equal part में divide करेगा. कितना equal part? इस यहाँ पे कितना दो है? तो दो equal part में divide करेगा. So this is half. Second, 1/3. So this is 0. Minus 1. यहाँ पे आपका 1 हो गया. 3 है यहाँ पे denominator में. तो आपको तीन equal part में divide करना है 0 और 1 के बीच का जो place है उसको. Then this is nothing but 1/3. So 1, 2, 3. यहाँ पे सिर्फ दो था. ठीक है. इसको 1/3 बोलेंगे क्योंकि तीन पार्ट में से आपने एक लिया. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2/3. बिकॉज तीन पार्ट में से आपने दो पार्ट को कंसिडर किया, दो पार्ट को लिया है और उसको वहां पे 2/3 लिखते हैं. Now let us take an example from exercise 7.2. हो गया 5 इक्वल पार्ट में. अभी 2/5 मींस के इसमें से दो पार्ट को लेना है. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2/5. 3/5 मींस और एक पार्ट लेना 3/5. 4/5 मींस यहां पे ये 4/5. इसको क्या बोलेंगे? 5/5 इज इक्वल टू 1 और इसको आप लिख सकते हो 0/5. ठीक है. ये 8/5 कैसे लिखते हैं उसको आगे देखेंगे हम क्लास में. सो डिनोमिनेटर में जितना हो उतना आपको 0 और 1 को डिवाइड करना है उतने पार्ट में और उसके बाद उसको वहां पे 1/7 का तो उसका एक ले लेना है. जैसे कि ये 0 - 1 हमको 3/7 लिखना है. ठीक है. तो इसको 7 पार्ट में डिवाइड करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके. तो 7 पार्ट हो गया उसमें से 3 को लिखना है. तो 1, 2, 3, 3/7. दिस इज 4/7, दिस इज 5/7, दिस इज 6/7. Now next topic 7.4 proper fractions. Proper fractions. If a fraction is less than 1
1, no, per fraction. Example, जैसे आपने देखा आपने 3/7, तो इसमें आप ऐसे लिखते थे 7 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, उसमें से 3 को हम सेट कर देते हैं, ये आपका 3/7 हो गया, मतलब कि लेस देन 1, लेस देन 1 कैसे होगा, तो जो ये जो है न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तभी तो वो एक से छोटा होगा, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो तभी वो एक से छोटा होगा, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शंस, ओके। Improper fractions. इसका एक एग्जांपल है, बहुत अच्छा स्टोरी है, यहाँ पे पांच फ्रेंड्स हैं, अनघा, रवि, रेशमा एंड जॉन, सॉरी चार फ्रेंड्स हैं, वो लोग स्कूल में अपना डिब्बा शेयर करते हैं, अनघा, रवि, रेशमा एंड जॉन टिफिन अपना शेयर करते हैं, तो दोनों सबके मिला के टोटल चार टिफिन है, प्लस उनके पास पांच एप्पल्स है, जो कि वो खाना खत्म करने के बाद पांच एप्पल्स खाएंगे, तो ये पांच जो एप्पल्स है उसको कैसे अपने चारों में शेयर करेंगे, तो अनघा ने क्या बोला, Let us each have one apple. And let us each have one apple. Means चारों को एक एक apple दे दिया, तो चार apple में चार दे दिया, पांच में बचा एक apple, उसका चार equal part हुआ, तो उसका चार equal part मतलब कि quarter. And one quarter of the fifth apple. Reshma ne kya bola? Divide all the apples. Four parts means the four quarters, and each of us take one part from each apple. अब आप देखोगे तो दोनों के केस में अनघा ने जो बोला कि पहले सबको एक एक एप्पल बांट दो और फिर पांचवा जो एप्पल है उसका चार भाग करके चारों को दे दो, या तो रेशमा ने बोला कि सारा जो एप्पल है पांच का पांच उसका चार पार्ट कर दो और सब में सब एप्पल में से हर एक जो है वो एक एक पार्ट देगा, दोनों केस में जो एप्पल जितना पार्ट मिलेगा वो सेम होगा, वो सेम कितना होगा, फाइव क्वार्टर्स, will be for one person. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार क्वार्टर में से एक एप्पल, सो यहाँ पे वो है वन एप्पल, पहले उन लोगों ने सबने ले लिया,
ऊपर से इसका एक क्वार्टर लिया मींस के टोटल 1 एम्पल इज 4 क्वार्टर्स प्लस 1 क्वार्टर टोटल कितना होगा 5 क्वार्टर्स. यहां पे क्या होगा 5 एम्पल ईच एम्पल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स हर एक जो है वो सब में से एक एक क्वार्टर लेगा सो टोटल 5 क्वार्टर्स सबको मिलेगा. तो ये जो डिवाइड किया है उसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे टोटल 5 एप्पल था 4 जनों में डिवाइड हुआ तो हर एक को जो मिलेगा उसको हम लिखेंगे 5/4. न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 4 सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. So this is called improper fractions. और example improper fractions के होंगे 3/2, 18/5, etc. Now other way, जो अन्ना ने बोला था of writing is कि पहले सब एक apple ले लेंगे, one apple plus 1/4 of an apple, so 1/4 of an apple. तो इसको कैसे लिखोगे 1 + 1/4 दिस इज नथिंग बट व्हाट 4 + 4 + 1 / 4 दिस इज 5/4 सो दिस इज बोथ सेम सो दिस इज यस. अगर ऐसे लिखोगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. This is called mixed fraction and this is called improper fractions. जो फरीदा और सुभाष जो पूरी शेयर किया था उसमें कैसे पता दोनों को 2.5 पूरी मतलब कि एक पूरी उसका दो पार्ट किया था दूसरा जो पूरी है उसका भी दो पार्ट तुम कर सकते हो और थर्ड हाफ टोटल 5 पूरी इज वेयर देयर सो दिस इज कॉल्ड 2 + 1/2 ऐसे इसको लिख सकते एंड दिस इज नथिंग बट 5/2. अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे फॉर एग्जांपल 17/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है तो आप उसको डिवाइड कर दो 17 सो 4 × 4 = 16 1 दिस इज योर रिमाइंडर. This is your divisor. This is quotient. And this is divisor. So 17/4 in mixed fraction can be written as uska jo division hoga usme se jo quotient milega plus remainder divided by divisor. तो कैसे लिखोगे क्वेश्चन कितना है 4 प्लस रिमाइंडर इज 1 एंड डिवाइडेड बाय डिविजर इज 4 सो दिस इज नथिंग बट 17/4. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हम इस तरीके से उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो जो एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल था उसमें हमको जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे एक रहेगा. ओके तो इसको पहले
मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं 5 × 5 = 3, तो दिस इज नथिंग बट 1 + 3/5. अब उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 0 - 1, दिस इज 1, तो 1 इज देयर, पूरा एक तो है, तो 1 और 2 के बीच में 5 पार्ट में डिवाइड करवाएंगे, 1, 2, 3, 4, उसमें से 3 पार्ट लेना है, 1, 2, 3, ये, सो यहाँ तक, तो ये जो पूरा है, दिस इज योर 8/5. ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसे हुआ, ये 1 है और दिस इज नथिंग बट 3/5. थैंक यू.